बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास कॉल, मैसेज और कमेंट आ रहे थे, लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था क्योंकि ये दुकान चमन फोटो स्टेट मुखर्जी नगर में ही है। लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, आज मेरे को टाइम मिला और मैं यहाँ पे फटाफट से पहुँचाऊँ। जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ एक समस्या आ रही है स्टडी मटेरियल की, कि हम NCERT कहाँ से मंगाएं, और बहुत सारे तमाम यहाँ पे स्टडी मटेरियल हैं लगभग हर कोचिंग का, वो कैसे मंगाएं और हमारे पास तक कैसे पहुँचेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है, भैया अगर हम मंगा रहे हैं और हमने पेमेंट पहले कर दी तो क्या स्टडी मटेरियल हमारे पास तक पहुँचेगा या नहीं। तो मुखर्जी नगर की सबसे विश्वसनीय दुकान चमन फोटो स्टेट पर हम हैं। आज तक जितने भी स्टूडेंट ने यहाँ से मंगाया है सबका पहुँचा है आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, और शिवम भाई कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद आ पाए हैं। टाइम की थोड़ी समस्या हो रही थी, लेकिन शीघ्र ही बच्चों ने कमेंट किया, हम बिल्कुल आपके पास पहुँचे हैं। ये बताइए, नया अभी मटेरियल कौन कौन सा आया है स्टडी मटेरियल का? जो अभी लेटेस्ट में तो बहुत सारे मटेरियल जो अपडेट हो गए हैं, ऑनलाइन जो क्लास चल रहे हैं तो उनके रिगार्डिंग आपको PDF नोट्स मिल जाते हैं। तो आपको सुब्रंजन के बात किया जाए PSIR के लिए तो अपडेट मैटर आ गया। अभी मेंस की बात किया जाए तो प्रहार के नाम से आ रहा है, जो इसके पहले मैं आपको उड़ान जो बताया था हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में, बच्चे ने बहुत अच्छा किया, स्टैटिक्स मैटर था, हर बच्चे ने उसको पढ़ा और उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा था। उसी के साथ साथ अभी आपको मेंस में भी आ रहा है, पहले तो उड़ान के नाम से था, अब प्रहार के नाम से आ रहा है। तो UPPCS का भी मेंस है और साथ साथ में आपको UPSC का भी मेंस है और UPPCS का भी मेंस है। उसके लिए भी बहुत सारे एकेडमी का टेस्ट सीरीज आ गए हैं, हिंदी में भी आ गए हैं और इंग्लिश में भी आ गए हैं। और सारे बच्चे पहले बोलते थे भैया NCERT की बात जो चल रही थी, तो अब तो मैं बुक भी मंगा लिया हूँ। दिखाइए जरा, दिखाइए। तो बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि भैया मुझे बुक्स में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा है, तो आप ये देखिए, ये NCERT का ओरिजिनल बुक है, ये फाइन आर्ट्स है, ये आपको हिस्ट्री है और भी सारे ऑल सब्जेक्ट अपने पास बुक फॉर्मेट में ओरिजिनल जो है वो चीज़ आपको अवेलेबल है। मीडियम दोनों होगा, हिंदी भी है और इंग्लिश में। ये लगभग अगर एक स्टूडेंट अगर ये NCERT का पूरा सेट मंगाता है तो लगभग कितने का पड़ेगा? देखिए हर, देखिए ओल्ड और न्यू दो वर्जन होते हैं, समझ रहे हैं ना, ओल्ड और न्यू दो वर्जन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे न्यू पढ़े या सारे बच्चे ओल्ड पढ़े, जब तक ओल्ड और न्यू दोनों को नहीं पढ़ोगे, दोनों को कंपेयर नहीं करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कोई भी सब्जेक्ट हो। अब ज्योग्राफी का ही देख लो, अब ज्योग्राफी हर सारे बच्चे आज के टाइम न्यू ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो जो बच्चा न्यू ज्योग्राफी पढ़ेगा वो न्यू जनरेशन के बारे में जानेगा। अगर तुम ओल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ोगे, पुराने इन्वायरमेंट कैसा था, पुरानी पहाड़ी कैसी थी, तो वही सारी चीज़ें। और आज के टाइम देखिए आज के इन्वायरमेंट कैसा है, तो ओल्ड और न्यू जब तक आप दोनों नहीं पढ़ते हो, पॉलिटिक का भी हिस्सा ही देख लो, पुराने जो एक्ट बने और आज के टाइम जो एक्ट चेंज होते हैं उसका रीजन होगा ना। तो जब तक ओल्ड और न्यू नहीं पढ़ोगे, बहुत सारे बच्चे न्यू NCERT पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, हर कोई पढ़ता है, लेकिन क्या होता है इंसान पढ़ता है और पीछे से भूलते जाता है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चों ने पिछले वीडियो के काफ़ी सारे बने हैं चमन फोटो स्टेट के, काफ़ी प्यार दिया लोगों ने, एक चीज़ और पूछ रहे थे वो कि ये मिस्टर चमन जी हैं कहाँ से, ये भी बताइए। अरे हम तो भाई बिहार के चंपारण जिले से रहने वाले हैं पूछ रहे थे बहुत सारे लोग। नहीं नहीं, हम बिहार के चंपारण जिले से रहने वाले हैं और मेरा जो भी पढ़ाई लिखाई यहीं पर हुआ, 10+2 दिल्ली में हुआ, ग्रेजुएशन भी मेरा दिल्ली में हुआ, और मैं भी UPSC के स्टूडेंट था और मेरा सक्सेस नहीं हो पाया तो फिर मैं अपना बिजनेस लाइन में आ गया। और मेरा बस यही सीधा है कि जो बच्चे गरीब हो अमीर हो, हर कोई पढ़ता है, मैं सबका हेल्प करता हूँ। और शिवम भाई मैं आपको दिखाता हूँ, कम से कम इस बार कम से कम 40-50 बच्चे जो कैंडिडेट हैं IAS और STAT PCS के लेकर सिलेक्ट हुए अपने शॉप से, इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम के, दोनों मीडियम के। इसका मैं फोटो आपको भेज देता हूँ जो अपने शॉप पे है, और जो फोटो जो साथ में खिंचवाए हैं वो चीज़ आप दिखाइएगा बच्चों को, कि विश्वास हो। सबसे बड़ी चीज़ है कोई भी कस्टमर, कोई भी स्टूडेंट, जब तक एक दूसरे के दुकान से कंपेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे के नोट से कंपेयर नहीं करेंगे, उनको मज़ा नहीं आएगा। और बच्चे देखो, बच्चे बोलते हैं कि मुझे कोचिंग लेना है, मुझे खुद से सेल्फ स्टडी करना है, तो सेल्फ स्टडी जो बच्चा करता है वो बहुत आगे तक जाता है, और जो कोचिंग करेगा वो तो कोचिंग पर निर्भर रहेगा। कुछ बच्चे हमसे ये पूछ रहे थे मैथ के ऑप्शनल के लिए क्या मिलता है। हाँ, मैथ ऑप्शनल के लिए IMS कोचिंग है, बहुत फेमस कोचिंग है, आप उनका पढ़िए, हर बच्चे उसके करते हैं, टॉप भी रहते हैं बच्चे, तो IMS कोचिंग आज का टाइम बेस्ट है। पहले एक ब्रिलियंट एडिटोरियल का आता था बट वो एकेडमी बंद हो गया, प्रेजेंट टाइम आपको IMS बेस्ट कोचिंग। ओके, बहुत सारे दोस्त हमसे ये पूछ रहे थे, हमने स्क्रीन पर दो नंबर भी लगाए हैं, और एक बार आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बता दीजिए, ताकि जो दूर दराज में जो स्टूडेंट रहते हैं गांव में, इनके पास तो ये दुकानें हैं नहीं, जो मुखर्जी नगर में रहते हैं वो तो तुरंत आ जाते हैं यहाँ से ले जाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं पहुँच पाते, वहाँ तक पहुँचते हैं आप, इसलिए आप अपना नंबर बताइए। 9551705170। एक और चीज़ बता रहा हूँ, जो बच्चे को किसी चीज़ के गाइडलाइन के चाहिए, किसी भी STAT PCS के बात करें या फिर UPSC के बात करें, तो देखिए हम ये नहीं बोलते हम भगवान, हम ये भी नहीं बोलते हैं कि हम टीचर हैं, ठीक है, हाँ, बट जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे आइडिया है, अगर मेरे वजह से बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन भी हुआ है, सक्सेस भी हुए हैं, वो चीज़ आपको भी पता है, बट किसी बच्चे को लगता है कि नहीं है, मुझे इनसे कुछ बात करना चाहिए, तो आप बिल्कुल हमसे बात कर सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो कोई बात नहीं। नंबर बताइए फटाफट।
9551705170। एक चीज़ और मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट आपको देखते हैं, प्यार देते हैं, मंगाते हैं, उनके पास पहुँचेगा ना जरूर? अच्छा एक बात बताइए, इसका पहले आप वीडियो बनाए थे इतना सारा, कितना 1.5 लाख लोग देखा है ना? हाँ। सिवा में ईमानदारी से बोलिए, कमेंट में जाके देखिए हम क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, उस चीज़ को कोई नहीं मानता। सबसे बड़ी चीज़ होती है कमेंट। कमेंट में कोई एक भी ऐसा बच्चा बोला है कि भैया हम आपको पैसा दिए अभी तक मेरा नोट्स नहीं पहुँचा है, या चमन भैया आपने मेरा हेल्प नहीं किया, या फिर चमन भैया आपने जो चीज़ बताया वो गलत है। क्योंकि देखिए हम और आप हमको जानते हैं, हम आपको जानते हैं, बाकी जितने भी इंडिया के लोग हैं वो तो नहीं जानते हैं ना, वो तो मतलब कमेंट पे ही जानेंगे ना ये इंसान अच्छा है ख़राब है क्या नहीं। अब मेरा कमेंट में जाके देखो, अगर मैं एक भी बच्चे के साथ गलत किया हूँ तो वहाँ पे बंदा जरूर कमेंट करके बोलेगा कि नहीं इनसे नोट्स मत मंगाओ, या फिर इनसे हेल्प मत लो, या गलत इंसान है। ये चीज़ कमेंट में देखो ना, मैं कौन होता हूँ बताने वाला आपका। एक चीज़ और आप लोगों को बताता हूँ, करेंट अफेयर। करेंट अफेयर के लिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है? दोनों चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, करेंट अफेयर के लिए किसी भी कोचिंग का एक आप करेंट अफेयर मंथली पढ़िए, साथ में योजना कुरुक्षेत्र जरूर आपको पढ़ना है, न्यूज़पेपर इंग्लिश में द हिंदू हिंदी में किसी का भी पढ़िए, इससे कोई इशू नहीं है। और कोशिश ये करिए मंथ के लास्ट में उसका क्विज आता है जो ऑब्जेक्टिव होता है, पर डे का क्वेश्चन डालते हैं उन लोग, और लास्ट में मंथली कंपाइलेशन कर देते हैं। अगर हिंदी में बात किया जाए तो दृष्टि के भी आते हैं, इनसाइट ऑन इंडिया के भी आते हैं, और इंग्लिश में बात किया जाए तो जीके टूडे के भी आते हैं और इनसाइट ऑन इंडिया के आते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे जो पूरे मंथ पढ़ते हैं करंट अफेयर, और लास्ट में उसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा कि जो एक मंथ में जो करंट अफेयर पढ़े हैं कितना सही है और कितना गलत है। ये चीज़ करेंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एस्टेटिक के साथ साथ करेंट पर फोकस करना बहुत जरूरी है। इस बार का ही देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स में कम से कम 35-40 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के रिलेटिव आया, करेंट अफेयर से क्वेश्चन कम है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो भी क्वेश्चन था करेंट अफेयर के रिलेटिव था। और मेंस देखिए होने वाला था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो भी मैं आपको फिर से बताऊँगा फिर आपको। बिल्कुल, तो दोस्तों जिन लोगों की ऐसी समस्या थी स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा था, वो परेशान थे, वो नंबर जो स्क्रीन पे है उन पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, उठाएंगे ये चमन जी और आपसे बात करेंगे, जो भी आप मंगाएंगे वो आप तक भेजेंगे, आप कहीं पे भी रहते हैं इंडिया के कोने में वहाँ तक भेजेंगे। लेकिन हाँ, आप अपना एड्रेस सही बताइए जहाँ ये आराम से भेज सके। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग अपना एड्रेस बताइए, कोई भी दिक्कत आप हमसे कॉल करिए, अगर आपको नोट्स पसंद नहीं होता तो हम रिटर्न भी कर लेंगे, आपका पूरा का पूरा पैसा रिटर्न कर देंगे, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। सब कुछ पैसा नहीं होता, इंसानियत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और दूसरी बात, हम हर बच्चों से ही बोलेंगे आप लोग जितना स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं, कोचिंग का नोट्स पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप जीरो हैं, सच बताएं तो, क्योंकि आपको देखिए मेंस भी लिखना है, इंटरव्यू में देना है, प्रीलिम्स तो ऑब्जेक्टिव होता है, बच्चे ऑल आज के टाइम तो चलो कोई भी प्रीलिम्स निकाल लेता है, लेकिन मेंस और इंटरव्यू सबसे बड़ी बात होती है, तो आपको अच्छा से रीडिंग करना पड़ेगा और खासकर एनसीईआरटी। ओके दोस्तों, आज हम मुखर्जी नगर में ही चमन फोटो स्टेट पर मौजूद थे, इनसे हमने बात की है, और इनके यहाँ पे दुकान पे स्टडी मटेरियल की कमी नहीं है, मैं आपको और दिखाऊंगा आगे। आशा उम्मीद करता हूँ अगर आपको ज़रूरत है तो आप कॉल करेंगे और मंगाएंगे आज की वीडियो में। शिवम भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे और मेरा वीडियो हमेशा बनाते रहते हैं, बीच में थोड़ा सा इनके पास टाइम नहीं मिला था तो वीडियो नहीं बनाए थे, बट इनका वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा अगर अच्छा लगता है तो। और दूसरी बात कि हर चीज़ तो हम आपको वीडियो पर नहीं बता सकते, किसी भी बच्चों को कोई भी हेल्प की जरूरत होती है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट, जो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करिए और मुझसे बात करिए। अगर आपका फ़ोन पिक नहीं कर पाते हैं तो कोशिश करिए टेक्स्ट मैसेज या फिर व्हाट्सएप पे आप मैसेज छोड़ दीजिए, मैं जैसे फ्री हूँगा बिल्कुल आपका मतलब रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।